व्हाट्सएप पर कर देना है बोलने वाला आदमी हूँ, मैं जनरल में नहीं जाता हूँ। जहाँ तक आपने बेड की जो बात की है, टर्शियरी केयर 6 हॉस्पिटल्स में जो है अभी 80% के करीब ऑक्युपेंसी है। अभी भी JBC में 100 और बेड जो है अभी भी खाली है। स्कीम्स में भी जो है 20 के करीब है और SMHS में भी जो है आज 100 और बेड एडिशनल बढ़ने जा रहे हैं। तो आने वाले 5 दिनों में जो है श्रीनगर में, अकेले श्रीनगर में तकरीबन 400 या 500 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बढ़ने वाले हैं। ये जो फैसिलिटी है ये एक कोविड आइसोलेशन सेंटर की फैसिलिटी है, लेकिन तो भी एक बैकअप बी प्लान के तौर पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। बाकी इसमें सब फैसिलिटी है, सिर्फ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर वो हम अरेंज कर रहे हैं। 100 में से मान लीजिए 50 बेड्स को भी अगर अरेंज होता है तो उतने ही जो है पेशेंट्स यहाँ एडिशनली बढ़ सके। क्या वजूहत है जो अभी तक जो लॉकडाउन है उसको इस्तेमाल आप लोगों ने पूरी तरह नहीं किया? अभी भी मैसेज बहुत देखने को मिल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत निज़ाम देखने को मिल रहा है, जाम अभी भी हो रहा है, पब्लिक अभी भी चल रही है। यहाँ से आप लोगों ने बोला था लॉकडाउन पूरी तरह, तो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। मैं उसमें बताता हूँ। बेसिकली जो है पिछले साल जैसे लॉकडाउन किया गया था, इस साल का लॉकडाउन और पिछले साल के इसमें काफ़ी फर्क है। इस साल जो है जरूरत की चीज़ें जो है चलानी है। पिछले साल जो है हमें पता नहीं था कि इसका फैलाव कितना हो जाएगा। डेफिनेटली चिंता की बात है। लोगों को मैं आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकल लीजिए। आपने आपके घर में ही रहना आपकी खुद की सेहत के लिए ज़रूरी है। सर लास्ट ईयर हमने देखा जब कोविड था तो गरीब गुरबा जो थे उनके लिए पैकेज दिया गया था, कुछ खाने की चीजें दी गई थी। इस साल वो देखने को नहीं मिल रहा है। और यार सुनो, पहले सुन लीजिए आप जो है, आपका तीनों क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ ये क्वाइट नेगेटिव है। नेगेटिव तरीके से मत सोच लो सर, ये लोगों का कहना है। मैं बता रहा हूँ आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 2 महीने का राशन जो है रिलीज कर दिया है। जो एडिशनली पिछले साल जैसे किया था ना, वो इट इज ओवर एंड अबव द रेगुलर PDS, ठीक है, वो भी यहाँ रिलीज होने जा रहा है। 8 तारीख से उसकी शुरुआत हो रही है, ठीक। इंशाल्लाह जो है ईद के पहले पहले जो है जो रेगुलर राशन है वो तो पहुंच गया है, जो एडिशनल राशन आया है वो भी पहुंच जाएगा। आखिर में सर लोगों को क्या मैसेज आपकी रहेगी, क्योंकि पैनिक लोग बहुत हो रहे हैं? पैनिक से चीजें हल नहीं होती है। डेफिनेटली चिंता होनी चाहिए, डर होना चाहिए, लेकिन साथ में जो है रीजनेबल नॉलेज भी इसका होने की जरूरत है। कोविड ऐसी चीज नहीं कि जो अभी भी हवा में से फैल रही है। ऐसी चीज ये है कि जहां नजदीक जाते हैं अनसेफ एक्सपोजर बढ़ जाता है, वहीं हमें कोविड का कॉन्टेक्ट होने की खतरा रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे एरिया से आप दूर रहे जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है, खास करके लोग मास्क पहने बगैर है, और घर से बाहर बहुत ही जरूरी है तो ही निकल।